ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मकर राशि पर जो सूर्य और शनि की युति जो द्वितीय भाव में बनी हुई है उसका क्या कुछ प्रभाव आने वाले दिनों में आपके ऊपर होने वाला है। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से ये युति चल रही है। करीब करीब 13 फरवरी को ये युति बनी, लेकिन जब उससे पहले ही सूर्य ने शनि को अस्त कर दिया था। अब 5 तारीख को शनि हो गए हैं उदय और आपके द्वितीय भाव में विराजमान चल रहे हैं शनि महाराज, और साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो सूर्य भी वहीं चल रहे हैं। दोनों ने परस्पर वहाँ पर द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर दी है। दोनों परस्पर विरोधी प्रवृत्ति के ग्रह हैं और प्रकृति के विपरीत होने के कारण से वहाँ पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न करती है। द्वितीय भाव किसका स्वभाव है? आपके धन का भाव माना जाता है, आपके वाणी का भाव माना जाता है, आपके विशेष तौर पर कुटुंब परिवार का भाव माना जाता है, क्रिय विक्रिय का विशेष तौर पर भाव माना जाता है। कई प्रकार के विचार उस द्वितीय भाव से खासतौर पर विचारणीय शास्त्र में बताए गए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा? सबसे पहले तो वाणी में दोष उत्पन्न कर सकती है ये युति, क्योंकि शनि महाराज उदय हो गए हैं और सूर्य ने वहाँ पर पूरा प्रभाव अपना उत्पन्न कर रखा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वाणी से कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा ना भाव बन जाए कि बोलना कुछ चाह रहे थे, मुँह से कुछ और निकल गया, या जल्दीबाजी में कुछ और निकल गया, एग्रेसिवनेस के कारण से, गुस्से के कारण से कुछ और निकल गया, और फिर उसका आघात आपको बहुत काफ़ी लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखें। ये युति जो है, वैसे तो आप समझे 15 तारीख को बदल जाएगी, 15 मार्च को सुबह 6:34 तक ये युति बनने वाली है। सूर्य उसके बाद आगे चले जाएंगे मीन राशि पर, उसका प्रभाव बदल जाएगा। लेकिन ऐसे में सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखें, नेगेटिव विचार बिल्कुल करना बंद कर दें। खासतौर पर ऐसी सोच बिल्कुल हटा दें कि पता नहीं क्या करने जाएंगे, होगा कि नहीं होगा। जैसा सोचोगे वैसा बन सकते हो। इस वक्त ग्रहों की युति आपको ये बता रही है, शनि महाराज का प्रभाव होता है नेगेटिव, शनि प्रभाव होता है पता नहीं करेगा नहीं करेगा, संशय उत्पन्न करने वाला ग्रह, धीरे धीरे काम करने कर वाला ग्रह। और ऐसे में यदि आपके मन में नेगेटिव विचार ज़्यादा आ गए, वाणी पर नेगेटिव विचार आ गए, कुछ गलत बात मुख से निकल गई, अपशब्द मुख से निकलने शुरू हुए, तो ये सारे के सारे दोष उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, शनि उदय हो गए हैं और वहाँ पर एग्रेसिवनेस बढ़ा रहे हैं, जिद बढ़ा रहे हैं, आलस्य बढ़ा रहे हैं, और खासतौर पर वाणी से कुतर्क बढ़ा रहे हैं। और साथ साथ इस बात का ध्यान रखें, कई बार क्या होता है कि जब आपके जिनके साथ ग्रह मिलते हैं तो वो बहुत बढ़िया काम कर देते हैं, सबके साथ ट्यूनिंग सेट फिट हो जाती है। अब यहां पर हुआ क्या है कि इस वक्त ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से सूर्य और शनि पिता पुत्र जो है वो एक ही भाव में एक ही राशि में चल रहे हैं, और जब चल रहे हैं तो दोनों की प्रकृति जो है बिल्कुल विपरीत है। एक इधर चलता है, एक इधर चलता है, एक कार्य को इस प्रकार से करना चाहता है, दूसरा कार्य को दूसरे प्रकार से करना चाहता है। तो ऐसे में द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोनों कल्याण चाहते हैं कोई अपनी, लेकिन काम करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। तो यही कारण है कि जिसके कारण से आपकी बुद्धि में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, अननेसेसरी के झगड़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो थिंकिंग को पॉजिटिव रखने का प्रयास करें। ये ग्रह दिखा रहे हैं कि जिन लोगों की शादी हो गई है उनके ससुराल पक्ष की तरफ भी थोड़ा सा समय खराब हो सकता है, तो उसको ठीक करने का प्रयास करें, कहीं कोई बात गलत किसी को लग ना जाए। देखिए, रिश्तों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर पर कि हमें सम्मान सबका करना है। हम बोलते कुछ और है, समझा कुछ और जाता है। जब ग्रह खराब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो छोटी सी बात बड़ा बखेड़ा उत्पन्न कर सकती है। तो ये जो 5 तारीख के बाद से लेकर आप समझे 15 तारीख के 10 दिन का समय है, केवल अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हुए, वाणी को स्थिर रखते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये कष्ट उत्पन्न कर सकता है। सबसे बहरा सबसे बेसिक चीज़ जो है पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव नहीं, परेशान ना हो, गुस्से में ना हो, ऐसा भाव ना सोचें कि पता नहीं हम कर पाएंगे, हमारे साथ तो जीवन में कष्ट ही कष्ट चल रहे हैं। बहुत सारे मकर राशि वाले इस बात को भाव रख देते हैं कि पता नहीं सारे जीवन के कष्ट हम पे ही लगे हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, इतना बढ़िया आपकी कुंडली में योग है, मकर राशि है, इतनी अच्छी प्रभावशाली व्यक्तित्व की राशि मानी जाती है। बहुत सारे लोग तो कई बार वर्ड्स हम देखते हैं कि कमेंट भी नेगेटिव लिख के भेज रहे होते हैं इतने ज़्यादा। अरे ऐसा नहीं, आप अपने ग्रहों को समझें। देखिए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम,
आप समझे आपकी राशि में कितने बड़े बड़े लोग उत्पन्न हुए हैं, और कुछ लोग हैं जिनके साथ हमने जो कर्म कुछ कष्ट में किए हैं तो उनका प्रभाव हमें उत्पन्न हो रहा है, तो उनको भोग के ही तो आप कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो कोशिश करें उसको ठीक करने का प्रयास करें। हम आपको उपाय के तौर पर सबसे पहला एक बात बता रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव गलत अशुभ सोच हटाने का प्रयास कीजिए। देखिएगा 10 दिन के अंदर यदि आपने अच्छा सोचा तो अच्छा आपके साथ घटने लगेगा। ये आपकी राशि का प्रभाव इस वक्त आने वाले 10 दिनों के लिए चल रहा है, 10 दिनों के लिए ही अच्छा समय है। यदि अच्छा सोचा तो अच्छा बढ़िया कर लोगे, नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव कर लोगे। ये मैं हम नहीं बता रहा हूं, आपके ग्रह बता रहे हैं, कोई नहीं कहेगा आपको। सारे के सारे आइस जो भी लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहते हैं वो केवल कुछ ना कुछ बेचने के लिए, कुछ ना कुछ यंत्र, कोई नग, कोई और कोई कुछ और कुछ चीज बेचने के लिए आपके समक्ष बैठे होते हैं। कुछ नहीं होने वाला उन सब चीजों से। केवल अपने विचारों को ठीक करते हुए काम करने का प्रयास करोगे तो सब ठीक कर लोगे। देखिए कुंभ राशि खासतौर मकर राशि वालों के समक्ष ये सूत्र हमने उपस्थित कर दिया है, कोशिश करें इस कार्य को अवश्य करने का प्रयास करें। एक काम और कर सकते हैं, काली भैंस जहां दिखाई दी जाए किसी गौशाला में कहीं भी काली भैंस को कुछ हरा चारा इत्यादि डाल दिया कीजिए। देखिएगा वो आपके जितने भी दुष्प्रभाव हैं, आपके अनेक प्रकार के कष्ट हैं, उनको ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से उपाय रहेगा ये करने का प्रयास कीजिए। और साथ साथ एक काम और करना है आपको, अपने जीवन जिनकी शादी हो गई अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। यदि कोशिश ये करें आप घर से बाहर निकलने से पहले अवश्य अच्छा बोलकर अपने जीवन साथी के साथ निकले। देखिएगा 10 दिन का दिन है ये, 10 दिन का उपाय बता रहा हूं आपको, उसके बाद का नहीं है। 10 दिन के लिए आपकी राशि के अनुसार से ये उपाय है। अच्छा बोलकर बड़े प्यार से बोलकर हर चीज शुभ करते हुए मैं कहूंगा प्यार से बात करके निकले, प्यार बांट के निकले। यदि आपसे उम्र में बड़े हैं तो आशीर्वाद लेके निकले, और यदि आपसे उम्र में छोटे हैं तो प्यार दे के निकले। देखिएगा आपके 10 दिन वारे न्यारे हो सकते हैं, और कोई बड़ा उपाय करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इस बात को समझ लीजिए। मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ सिद्धांत हमने उपस्थित कर दिया आपके समक्ष में, हींग लगे ना फिट करे रंग चोखा होगा, इस प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए। कहीं कोई उपाय शास्त्र में जरूरत होगी तो हम अवश्य बताएंगे, आप इस वक्त ये उपाय करके चले, देखिए कल्याण के योग बनेंगे। नमस्कार।